सो हेलो जी, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। इस समय हैं हम इंडिया के सबसे ज़्यादा लग्जीरियस मॉल जो कि है हमारे लखनऊ में एंड जिसका नाम है फिनिक्स प्लाजियो। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं भाई साहब आखिरकार इसे सबसे ज़्यादा लग्जीरियस मॉल क्यों कहा जाता है। तो मॉल के अंदर जाने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं। अब मैं तो पीछे वाले रास्ते से गया था बिकॉज मैं आया था बाइक से और बाइक को हमें पार्क करना था, तो बाइक ना पीछे वाले एरिया में पार्क होती है, तो वहीं पे पार्क करके हम ना पीछे वाले गेट से प्लाजियो के अंदर गए थे। तो भाई यहाँ पे जस्ट पीछे आपकी चेकिंग होगी और आप मॉल के अंदर आएंगे एंड लग्जीरियस इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज आप एंट्री में ही चेक कर लें कितना ज़्यादा लग्जीरियस लग रहा है यार। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा H&M एंड इधर आपको लाइफस्टाइल करके दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है सारे बेसिकली कॉस्मेटिक ब्रांड्स मिलेंगे और साथ में आपको दिखेगा यूनिकॉर्न एप्पल के हमारे प्रीमियम सेलर, यहाँ पे आपको सारे एप्पल के प्रोडक्ट मिलेंगे एंड आगे चल के जो है और भी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो चलिए चलते हैं। भाई फिलहाल अभी हम आ गए हैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एंड ये ना पूरी पार्किंग है, साइड साइड में आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां जो है पार्क हो रखी उधर एंड बीच में ये बना रखा है जिससे सब लोग ऊपर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ना बेसिकली पूरे मॉल का ना मैप बना हुआ है कि किस फ्लोर पे कौन से आउटलेट्स हैं, ये सब यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जब भी आएँ एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, तो आप जो भी आउटलेट ढूंढ रहे होंगे वो आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये हमने देख लिया है, अब जो चलते हैं। तो आप जब भी बेसमेंट से ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है ज्वेलरी की तो आपको वो सब ग्राउंड फ्लोर पर ही मिल ही जाएगा। एंड उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ये बना रखा है, यहाँ पे आप आराम से अपना फोटो शूट कर सकते हैं। और अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी के शौकीन है तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। इससे पहले जब मैं लुलु मॉल गया था वहाँ तो चलो तब भी ऐसे ब्रांड्स थे जो मेरे को पता थे, बट भाई साहब यहाँ तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिटरली कभी मैंने नाम ही नहीं सुने यार। जैसे कि ये गैस हो गया, कैल्विन क्लीन हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, ये सब तो सुने आप। जैसे कि ये हो गया सुपर ड्राई, कीको इको, इन सब के मैंने नहीं सुने। और लुलु मॉल में जो एक चीज़ नहीं है, जो चीज़ मेरे को यहाँ पे सही लगी वो है ये, यहाँ पे ना सारे बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन सा आउटलेट कहाँ पे है, सारे फ्लोर लिखे हुए हैं। तो इससे ना आप सभी को आसानी ही होगी कि आपको जहाँ भी जाना होगा आप सीधे बोर्ड पढ़ के आराम से जा सकते हैं, आपको मैप देखने की जरूरत ही नहीं है जो नीचे लगा हुआ है। फिलहाल हम वॉक करते करते आ गए उस वाले गेट से जिस गेट से हमने एंट्री ली थी एंड इधर वाले गेट पे, इधर वाले गेट से भी एंट्री होती है, तो हमने अभी इधर वाले गेट पे आ चुके हैं। एंड ये था यहाँ का फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर भी फ्लोर है, अभी वहाँ चलेंगे, बट मैं बस एक बार लास्ट तक देख लूँ कौन कौन से आउटलेट्स हैं यार यहाँ पे। और तो ये रहा एक और मेन गेट एंड ज़्यादातर लोग ना इधर ही वाले से एंट्री करते हैं मैंने देखा, बट हम लोगों को पार्किंग वहाँ करनी थी बाइक की तभी हम लोगों ने उधर से करी। तो इस मॉल के अंदर टोटली 3 फ्लोर हैं और अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और इस फ्लोर पे भी आपको ज़्यादातर ना लाइफस्टाइल ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, लाइक पेंटालून्स हो गया और भी जितने भी कपड़े अपड़े वाले ब्रांड्स होते हैं, तो अगर आप कपड़े लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। और फिला हो गया जहाँ पे इनके स्नीकर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो फिला से भी ले सकते हैं। कोई आउटलेट समझ तो आ नहीं रहा था, पहला आउटलेट है जो कि मेरे को पता है वो है H&M। तो चलो भाई H&M के अंदर चलते हैं और देखते हैं चल के, पहली बार H&M में जा रहा हूँ, उससे पहले कभी गया नहीं। लुलु मॉल में था नहीं H&M, नहीं था ना, लुलु में था नहीं यहीं पे। तो चलो भाई देखते हैं चलते हैं।
भाई ये चश्मा 2299 का है, ऐसा इसमें क्या खास है? अपने यहाँ रोड के किनारे 100 रुपए का इससे बढ़िया चश्मा मिल जाता है मेरे को लगता है। ऐसे मैं तो कहता हूँ, बट अभी मैंने इस टी शर्ट को बस ऐसे निकाला और इसको रुपए देखे, जरा चेक करें आप। 2000 रुपए भाई, 2000 रुपए की टी शर्ट 200 रुपए की मिलती है। ये नॉर्मली टी शर्ट बस 2000 रुपए की क्यों? बस ये जो H&M का टैग लगा है ना, ब्रांड की वैल्यू है यार, कपड़े की वैल्यू है भाई। H&M का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और H&M की ये खास बात है कि इनका कलेक्शन ना बहुत जल्दी बदलता है, इसी वजह से H&M चलता भी बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, थोड़े से कपड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, बट जरा आप ये चेक करें, इनका कलेक्शन ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी रहता है। लाइक ये टी शर्ट ही देख लो भाई साहब, बिल्कुल अलग, और ये बहुत ही प्यारी प्यारी टी शर्ट्स हैं। बट बात वही है कि महंगी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब भी H&M आएँ तो एक चीज़ ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए ना नीचे वाले फ्लोर पर है ग्राउंड फ्लोर पर, और बॉयज़ के लिए ऊपर वाला है, मतलब कि इन दोनों के बीच में एस्केलेटर लगे हुए हैं, तो आप लोग आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर हाँ, अगर लड़कियों को लेना तो नीचे लेना, बॉयज़ के लिए ऊपर है, और बच्चों के लिए भी ऊपर ही है, देखो बच्चों का भी यहीं पे लगा हुआ है। तो भैया H&M को बाय बाय कहते हैं, यहाँ भाई साहब नहीं आना चाहिए। आना चाहिए अभी नहीं आना चाहिए, आगे चल के आएंगे, क्या बात करते हो, ले जाएंगे पूरा H&M खरीद लेंगे, क्या बात करते हो। अच्छा, और ये दुकान उन लोगों के लिए जो हमारे कुछ नशेड़ी गंजेड़ी भाई हो, तो तुम्हारे लिए ये जन्नत है भाई, यहाँ पे सब तुम्हारे काम की चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप क्रोमा ढूंढ रहे हैं ना, तो क्रोमा का जो है सेकंड फ्लोर पे स्टोर है। मेरे को ना क्रोमा काफी अच्छा लगता है, बिकॉज क्रोमा में आपको ऑलमोस्टली सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले। भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा, जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, मैं सिर्फ जाता हूँ एक जगह पे, जो कि है हमारी मैकबुक, बिकॉज अब बस इसी की जरूरत है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे पास होगी। तो बस भाई मैकबुक को करीब से देख रहा हूँ, बड़ी प्यारी लगती है यार देखने में मैकबुक मेरे को। हम लोगों को बस भाई साहब मैक से मतलब है, बिकॉज मैक ही हम लोग के काम के, बाकी मैं चीज दिखाता हूँ। मेरे सामने रखा हुआ ये सोनी का स्पीकर, जो कि कुछ 73,000 समथिंग है, एंड इसकी आवाज लिटरली मैंने सुन रखी है, मेरे को पता है ये डीजे है, जो पूरा डीजे होता है ना शादियों में, उससे भी मस्त बजता है। हमारे पास एक भैया ना, उनके पास ये वाला था जो 30-35 हज़ार रुपये समथिंग है, हाँ इस समय 40,000 का होने जा रहा है। इसकी आवाज़ लिटरली एक डीजे के बराबर है, फिर ये तो सोचो उससे दुगना है यार, इसकी आवाज़ तो बहुत ही तेज होने वाली है। अभी मेरे पास है हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स, एंड ये वीडियो शूट हो रहा है 13 प्रो मैक्स से। तो चलो अब जो है मैं 14 प्रो मैक्स से शूट करता हूँ, और देखता हूँ कि क्वालिटी कैसी है। हेलो जी, व्हाट इज़ अप, इस समय जो है हम आईफोन 14 प्रो मैक्स पे आ चुके हैं, और इसको मैं अभी एयर ड्रॉप से अपने आईफोन में डालूंगा। तो कमेंट करके बताना आईफोन 13 और 14 में क्या क्वालिटी का फर्क तुम लोगों को दिखता है। जानते हो, अगर आप वहाँ पे शॉपिंग करना चाहें आप कभी यहाँ पे आएँ, वरना बस आप यहाँ पे बस फोटो खिंचाने के लिए आ सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्टली ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, बिकॉज इसके अंदर का इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसी वजह से इसे सबसे ज़्यादा लग्जीरियस मॉल भी कहा जाता है। तो भाई थर्ड फ्लोर भी हमने अच्छे से घूम लिया, और अब हम आ गए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर भी बस ऐसे आउटलेट्स बने हुए हैं, कोई ऐसा आउटलेट है नहीं जिसे हम विजिट कर सकें, सब ऐसे कपड़े वपड़े वाले हैं। बट हाँ, इस ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि किस फ्लोर पर कौन सा आउटलेट है, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी होगी। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड यहाँ पे जस्ट सामने मेरे आयनॉक्स है, और बाकी यहाँ पे HP के सेंटर हैं, यहाँ पे मसाज वसाज कराने के लिए भी है, एसुस का भी है, लेनोवो का भी। ये लैपटॉप ब्रांड्स के साथ साथ आपको रिलायंस डिजिटल भी देखने को मिल जाएगा, ये भी बेसिकली क्रोमा की तरह है, यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट ये हमारे मोटा भाई का है, अंबानी जी का है, ये यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। और ये रहा यहाँ का नेल स्टूडियो, मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है, लड़कियाँ यहाँ नेल स्टूडियो में 1,500-2,000 के नाखूनों पे बस वो नेल पॉलिश लगवाते हैं भाई, इतना मतलब खर्चा रुपया क्या ही बताओ यार। बाकी यहाँ पे ऊपर आइनॉक्स भी है, आइनॉक्स के साथ साथ ये हाउस ऑफ फियर्स करके ये क्या यहाँ पे कुछ भूत उताला बना रखा होगा। बाकी ये रहा आइनॉक्स, यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मिलेंगे, आपका घर भी बिक सकता है यहाँ पे पॉपकॉर्न लेने में। तो आइनॉक्स से निकलने के बाद हमारे सामने आ जाता है फन जोन, यहाँ पे ना बेसिकली काफी सारे गेम्स वेम्स लगे हुए हैं, तो बच्चे बूढ़े हर कोई यहाँ पे खेलता ही है। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, इसको आप पूरा आखिर में आएंगे तो आखिर में आपको पूरा फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है सारे ब्रांड्स तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज मेरे को यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ही नहीं दिख रहा है, बाकी ऑलमोस्टली सबवे अबवे ये सब तो है, बट मैकडॉनल्ड्स मेरे को नहीं दिख रहा है, बर्गर किंग है,
यहाँ पे मतलब थोड़ी सी कमी दिख रही है। अब मेरे को उस हिसाब से लूलू मॉल ज़्यादा अच्छा लगा, ये लग्जीरियस मॉल है, अच्छा यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा है, यहाँ पे फोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी, ये सब है। बट अगर आप बात करें आउटलेट्स के मामले में तो लूलू मॉल ज़्यादा अच्छा है। लूलू मॉल में काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और काफ़ी अच्छा है यार। तो यार ये थी फिनिक्स प्लाजियो की पूरा टूर ब्लॉग। एंड मैं शुरुआत से वीडियो में कह रहा था इसे ना सबसे ज़्यादा लग्जीरियस मॉल कहा जाता है, वो इस वजह से बिकॉज आपने खुद देखे होंगे कि यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आता है ना उसकी परचेजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल्स आते हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, इसी वजह से इसका इंटीरियर इतना अच्छा बना रखा है। तो अगर आप भी यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज देने को मिलेगी। बड़े बड़े ब्रांड्स तो हैं और साथ में कुछ छोटे छोटे ब्रांड्स भी हैं, तो अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे लूलू और फिनिक्स में से आपको कौन सा अच्छा मॉल लगा, तो मेरे को ना लूलू मॉल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ उसका इंटीरियर कुछ इतना खास नहीं है, बट वहाँ पे ना आपको बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं, महंगे से महंगे भी हैं, सस्ते से सस्ते भी हैं, तो उस हिसाब से मेरे को लूलू मॉल बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लूलू मॉल का फुल डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ से जाके उसका पूरा व्लॉग वीडियो देखें। फिलहाल यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली तुम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोरिंग वीडियो डालने वाले हैं। सो दिस इज सनीश प्रशांत साइनिंग ऑफ, मिलेंगे आपसे जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm not